पूरा सहयोग अगर मिलेगा केंद्र से, बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वी आर द लीडिंग स्टेट, उसमें कहाँ बिहार का कुछ होने वाला, आप ही बताइए ना। अड़तीस हमारा हेडक्वार्टर, मात्र 7,35,00,000 रुपए मिले। केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार बिहार राज्य के साथ भेदभाव करती है। अगर केंद्र सरकार बिहार में जो नीतियां हैं उनको सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो बिहार बेहतर काम करेगा और बिहार की उन्नति की जो इंडेक्स बॉक्स है वो टॉप 5 में होगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 38 हेडक्वार्टर हैं नगर निकाय के, और उन 38 हेडक्वार्टर में केंद्र सरकार खर्च करने के लिए 7,35,00,000 रुपए दे रही है, जो कि बेहद कम है। ऐसे में बार बार केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव करती है, बिहार के डेवलपमेंट में जो नज़रअंदाज केंद्र सरकार कर रही है उसके कारण ही बिहार पिछड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार टॉप में है और इसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं। ऐसे में बिहार के उन्नति के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और हर संभव जो मदद है वो करनी चाहिए। सुनिए तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर क्या कुछ कहा है। क्या लगता है कि से बिहार पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या बात है? जो अनुशंसा जो आई है 15वीं, आप सोचिए 38 हमारा हेडक्वार्टर, मात्र 7,35,00,000 रुपए मिले अनुशंसा की गई है, तो उसमें कहाँ बिहार का कुछ होने वाला, आप ही बताइए ना। तो ये सारी चीज़ तो है, और आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग जो है सबसे अच्छे रैंक में है, बिहार स्टेट में सबसे आगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, वी आर द लीडिंग स्टेट, तो इतनी बड़ी बात है। तो थोड़ा सहयोग अगर मिलेगा केंद्र से, बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, तो बिहार आप देखिएगा 2 सालों के अंदर जो है कहाँ टॉप 5 राज्यों में जो है पहुंच जाएगा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। बिहार के साथ तो पक्षपात हो ही ना रहा, आरोप लगा रहे हैं एकदम इसमें। अरे भाई आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपको जो हकीकत है 15वें आपको एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास का जब भी चर्चा होता है तो विशेष राज्य की बात होती है, विशेष पैकेज का जिक्र किया जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए बिहार में किए गए अब तक के काम की तारीफ की है, वहीं जो सहयोग केंद्र सरकार से मिला है उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में कुल नगर निकाय के 38 हेडक्वार्टर हैं और उन 38 हेडक्वार्टर में खर्च करने की जो राशि केंद्र सरकार ने मुहैया कराई है वो बेहद कम है। राशि की जो कुल संख्या है वो 7,35,00,000 की है और इस रकम में जो विकास है उसको किया नहीं जा सकता। तो देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के इस आरोप और हमले के बाद अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता और पदाधिकारी हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।